हाय ऑल, वेलकम है आपका समत किचन में। और आज मैं बना रही हूँ बाजरे की टिकिया, जो कि विंटर की एक स्पेशल रेसिपी है, विंटर स्नैक है, जिसको हम बनाते हैं बाजरे के आटे, गुड़ और तिल के साथ। बहुत ही मज़ेदार है और बड़ी आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक गिलास पानी, जिसको कि गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसमें डाला 200 ग्राम कुटा हुआ गुड़। कूट के इसलिए डाला ताकि ये आसानी से गल जाए। और इसको हमें सिरप बनाना है और इतनी देर तक पकाना है पानी को कि जिसमें गुड़ आसानी से घुल जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, सिर्फ इसको घुलने तक पकाना है। तो तेज़ आंच में कर लें, बीच में चलाते रहें। और ये गुड़ पूरी तरह से घुल चुका है और अब आपको कोई भी पीसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और थोड़ा सा ठंडा होने को रख देते हैं, क्योंकि बहुत गर्म हमें इस्तेमाल नहीं करना, हाथ जलने का डर रहता है। अभी हल्का गुनगुना है, इसको मैं छान लेती हूँ। छानना ज़रूरी है कि गुड़ में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिस तरह से ये बनता है गुड़, तो उसमें कुछ ना कुछ आप देख सकते हैं छन्नी में की कुछ कूड़ा दिख रहा है, तो मैंने छान लिया इसीलिए। और आप भी छान लें। और अब हमें जो अगला इंग्रेडिएंट चाहिए, वो चाहिए बाजरे का आटा, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है करीब आधा किलो, 400 ग्राम, आधा किलो से कम है। और यहाँ पर लिया मैंने आधा कटोरी सफ़ेद तिल, और इसको सूखे आटे में ही मिला देंगे ताकि तिल और आटा अच्छी तरह से मिल जाए। और किचन टॉवल एक मैं बिछा लेती हूँ ताकि आटा गूंदने में आसानी रहे। और ये जो सिरप हमने तैयार किया है, इसको थोड़ा थोड़ा करके हमें डाल के आटे को गूंदना है, थोड़ा थोड़ा मिलाना है, एक बार ही ना मिलाएं, क्योंकि आटे को ना हमें बहुत ज़्यादा टाइट रखना है ना बहुत मुलायम रखना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा सिरप करके मिला देना है। तो यहाँ पर मैं आपको जब तक आटा गूंद रही हूँ बाजरे के बेनिफिट्स बता देती हूँ। बाजरा हमें क्यों खाना चाहिए, जाड़ों में स्पेशली, तो ये बहुत ही ताकत देता है आपको, फाइबर से भरा होता है तो डाइजेस्टिव होता है, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन होती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और साथ साथ डायबिटीज़ को भी प्रिवेंट करता है। तो विंटर के लिए बाजरा बहुत अच्छा है। और अनाजों की तरह जैसे कि हम खाते हैं ज्वार, मक्का, इसको हमें बाजरे को भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो अब ये थोड़ा सा आटा बचा है, मैं थोड़ा और सिरप डाल रही हूँ। और इस तरह से अब आटे को इसमें गूंधने में हमें ध्यान रखना है कि इसको मसल मसल के गूंधना है। और क्योंकि इसमें जो गेहूं का आटा होता है जो बन जाता है आसानी से, वैसा नहीं होता है ये, इसमें लस नहीं होती, तो इसको हमें 10 मिनट तक करीब ऐसे ही आपको जैसे मसल रहे ना, इसी तरह से मसलना है आटे को। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर आटे को बेलने में या टिकिया बनाने में बड़ी परेशानी आएगी। तो इस तरह से हथेली की मदद से आप इसको मसलें, और मसलने में बहुत अच्छी तरह से आटा तैयार हो जाता है। और बस यही इसका तरीका है, मेन चीज़ इसकी ध्यान रखने वाली यही होती है। तो यहाँ पे अगर गलती हुई तो फिर टिकियाँ तलने में भी आपकी बिखरेंगी और सही से बनेंगी नहीं, और मैनेज करना बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो बस ये आटा तैयार हो गया है, इसको ना बहुत सख्त रखना है ना बहुत मुलायम, और एक बड़ी सी लोई लेके उसको गोल कर लेना है। और अब इसको हाथों की मदद से मैं थोड़ा सा चपटा कर लेती हूँ, और एक बड़ी रोटी की तरह बेलना है इसको भी। बहुत मोटा या पतला ना करें, या फिर आपको जैसी पसंद हो वैसा कर लें। बीज का रहना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर बहुत मोटी होती है तो फिर वो अंदर से कच्ची रह जाती है, और बहुत पतली होती है तो टाइट हो जाता है, तो इसलिए हमें बीज का रखना है। और इसको बेल लें अच्छी तरह से, और अब ये बेल चुका है जितना मुझे रखना था, मोटाई उसकी उतना मोटा हो चुका है। और अब एक ग्लास या कटोरी या कोई ढक्कन की मदद से ऐसे गोल गोल इसको काट लें, तो ये बहुत आसानी से इवन साइज़ की टिकियाँ तैयार हो जाती हैं। ये देखिए इस तरह से तीन बनी हैं, और बड़ा बनाएंगे तो और ज़्यादा बन जाएंगी। तो इसी तरह से इसको बना के अलग कर लेना है, और बाकी जो कटिंग बचेगी उसको दोबारा से फिर लोई मिला लें, और इसी तरह से बेल लेना है। तो जो टिकियाँ बन चुकी हैं उसको निकाल के अलग रख लें, और दूसरी बनाते हैं। तो इसी तरह से हमें सारी बेलनी है, पर इन केस अगर आपको बेलने में दिक्कत आ रही है या कोई परेशानी आ रही है तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं। वही बाजरे का आटा मैंने निकाल लिया था थोड़ा, तो अगर ज़रूरत पड़े तो आप सूखा आटा बीच में छिड़क दें, जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से बेल लें, और बहुत ज़्यादा सूखे आटे का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा होगा। तो इसी तरह से इसको भी बड़ा कर लेना है। तो अब मुझे ज़रूरत लग रही है, मैं थोड़ा सा मिला देती हूँ इस चीज़ का, थोड़ा सा ये आटा चिपकता है तो बेलने में परेशानी हो सकती है, इसीलिए मैंने कहा था कि इसको मसलना हमें बहुत अच्छी तरह से। बस अब ये बेल चुका है, बड़ा हो गया, इसको भी हम जैसे काटा था उसी तरह से काट लेंगे, और ये बहुत बढ़िया हमारी
एक साइज़ की सारी टिक्कियाँ या पूरे बनके तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों को कुछ नया चीज़ होती है तभी उन्हें अच्छी लगती है, न्यूट्रिशियस तो है ही है, तो आप उनको भी इंट्रोड्यूस कराएं। मेरी छोटी सी बेटी है, मैंने उसको ये कह के दिया कि ये कुकीज़ हैं, तो उसने बड़े शौक से खाई, उससे पहले वो नहीं खा रही थी। तो हमें नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना पड़ती हैं बच्चों के लिए, तो आप भी ट्राई करके देखिएगा, शायद आपके बच्चों को भी पसंद आ जाए। तो बस इसी तरह मैं सारी टिक्कियाँ और भी बेल लेती हूँ, और यहाँ पर मैंने तेल गर्म कर लिया है कढ़ाई में, और अब मैं एक एक करके टिक्कियाँ डाल दूँगी इसमें। और करीब हमें इसको जब तक तलना है, जब तक कि इसमें दूसरी जो साइड जिस तरफ से डाला है वो ब्राउन हो जाए हल्का, और जब जैसे ही ब्राउन हो जाएगा हमको इसको पलट देना है। जैसे हम पूरियां तलते हैं वैसे इसको तल लेना है, नथिंग ग्रेट अबाउट इट, बहुत आसान सी चीज़ है। तो दोनों तरफ से हमको इसको तलना है, और थोड़ी सी हल्की सी फूलेंगी, ये बहुत ज़्यादा नहीं फूलेंगी, और बस इस तरह से आप तल लें। और अब ये एक तरफ हो चुकी है, इसको मैं पलट देती हूँ, इसी तरह से हम दोनों तरफ तल लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है थोड़ा ज़्यादा तल लें, और बस इसी तरह से तल के एक बड़ी छन्नी में निकाल लें ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो भी निकल जाए। तो यहाँ पे अब तल चुकी हैं, और मैं इसको जो है तो एक बड़ी छन्नी में निकाल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि जो एक्सेस ऑयल है सारा निकल जाए। और बस यही प्रोसेस है, सारी और बाकी तल लेना है, और झटपट बन जाएंगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसान है। सिर्फ तीन चीज़ें डालना है, बहुत सारा आपको सामान नहीं इकट्ठा करना है इसके लिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं इकट्ठा करना, और सीजनल चीज़ें भी आप इंट्रोड्यूस कर पाएंगे अपनी फैमिली में। तो बस थोड़ी देर रखने के बाद इसका तेल निकल चुका है, मैंने प्लेट में पलट कर लिया, और इसी तरह से मैंने और सारी भी तल ली हैं। बस ये हमारी बाजरे की टिक्कियाँ तैयार हैं, बाजरे के पुए। तो अब आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, कभी भी खाएं, चाय के साथ खा सकते हैं, सुबह शाम के नाश्ते के लिए परफेक्ट हैं। ये विंटर की स्पेशल रेसिपी है, और आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और करें समत किचन को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग समत किचन।